मनोज जी, आज सदन की बैठक थी, हंगामे के भेंट चढ़ गई, क्या मुद्दा रहा? देखिए, हम तो तीन प्रस्तावों पे, चार प्रस्तावों पे चर्चा करना चाहते थे। सबसे पहला प्रस्ताव चौहान बांगर गली नंबर 3 सीलमपुर के अंदर जो मंदिर की जमीन बिकी और उसपे एमसीडी द्वारा नक्शा पास कर दिया गया, जो बिल्डर माफियाओं के लिए बना, बिल्डिंग बनाने के लिए पास करवाया, हमारा सबसे पहला उस प्रस्ताव पे चर्चा कराने का था कि आखिर मंदिर की जमीन बिकी कैसे और उसपे एमसीडी ने नक्शा पास किया कैसे। दूसरा हमारा मुद्दा था अवैध निर्माण, जिसपे ईडीएमसी में तमाम जेई निरंकुश हो चुके हैं। गली सी कड़ी में 37 वार्ड के जो कि उत्तरी शाहदरा उत्तरी क्षेत्र के चेयरमैन का वार्ड है, उसके अंदर एक जेई पैसे लेते हुआ, पैसे मांगता हुआ पकड़ा गया और फोटो खींच रहा था बिल्डिंग की, ब्लैकमेल करने का प्रयास कर रहा था। उसको अभी तक ना सस्पेंड किया गया ना निलंबित किया गया, उसको सिर्फ ट्रांसफर करके छोड़ दिया गया। तीसरा उसी कड़ी में मामला था 37 वार्ड का, जहाँ पे 4,000 गज की संपत्तियों का अवैध निर्माण हो रहा है, वो भी इंडस्ट्रियल लैंड के ऊपर, जिसका लैंड यूज चेंज नहीं कराया गया, करोड़ों रुपए का रेवेन्यू लॉस भारतीय जनता पार्टी ईडीएमसी को कर रही है, उसका मुद्दा था। तीसरा मुद्दा था किसानों का, जिसपे हम चर्चा कराना चाहते थे। किसान साल भर से सड़कों पर बैठे हैं, अपने परिवार को छोड़ के बैठे हैं, जिनकी खेती बाड़ी खराब हो रही है, तमाम देश के लोगों को बॉर्डर पे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, जगह जगह घूम घूम के जाना पड़ रहा है, उसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से चाहते थे कि इस पे विस्तृत चर्चा की जाए। चौथा हमारा मुद्दा था नाला बेलदारों को स्थायी करने का मामला, जिसको हम चाहते हैं कि हमारे कर्मचारी स्थायी हो, जो भारतीय जनता पार्टी लगातार ढोल पीटती रही सालों से, जब चुनाव आता है तब लोग लुभावन प्रस्ताव लेकर के आती है और कर्मचारियों को पक्का करने के नाम पर सिर्फ राजनीति करने का काम करती है और वोट बटोर के राजनीति में आ जाती है, सत्ता में आ जाती है और फिर दोबारा उनका दोहन करने का काम करती है। आज हमारे ये चार प्रस्ताव थे, जिस पर स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन भरभरा उठे, नेता सदन भरभरा उठे और उन्होंने गुस्से में हमारी बहन, छोटी बहन विमलेश, जिसके सिर पे बहुत भारी चोट लगी है, और हमारी बहन रेखा त्यागी जी, मोहिनी जिनवाल जी, अनीता जी, साथ में हमारे साथी पार्षद है विजय कुमार जी, देखिए इनकी उंगली के अंदर एक महिला पार्षद द्वारा किस तरीके से नोचा गया है, ये साफ दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा सदन के अंदर चर्चा कराने की नहीं है, बल्कि वो सिर्फ सदन को भंग करने का काम चाहते हैं, सदन को शोर शराबे में खत्म करना चाहते हैं, ताकि वो अपने भ्रष्टाचार के जितने भी मामले हैं, जितने भी मुद्दे हैं, उन तमाम चीजों को पास कर सके। और आज उसी कड़ी में उन्होंने जो